अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अकेले तो बहुत दफ़ा ट्रैवल किया है, बट दिस वाज आवर फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग विद अ बेबी। एंड इन टुडेज़ वीडियो आई विल शेयर विद यू माय एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग विद अ बेबी एंड व्हाट आई पैक्ड इन हिज डायपर बैग। सो लेट्स गो। हमारी 1 बजे की फ़्लाइट थी और हम 11 बजे एयरपोर्ट पहुंच गए थे। अगर आप बेबीज़ के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी फ़्लाइट से एटलीस्ट 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाएं, बिकॉज़ बेबीज़ काफ़ी अनप्रडिक्टेबल होते हैं और ऐसा ना हो कि बेबीज़ के चक्कर में आपकी फ़्लाइट ही मिस हो जाए। योर बेबी विल नीड अ पासपोर्ट इफ़ यू आर फ्लाइंग इंटरनेशनली, और अगर आप डोमेस्टिक फ़्लाइट ले रहे हैं तो भी इट्स गुड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर योर बेबी, कोई बर्थ सर्टिफिकेट या बे फॉर्म वगैरह। इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ी थी हमें, बट इट्स ऑलवेज गुड टू ट्रैवल विद सम सॉर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर बेबी एज वेल। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद अ स्ट्रोलर और अ कैरी कॉट, तो आप इन दोनों में से एक आइटम को फ्री में चेक इन करवा सकते हैं। वी वरंट ट्रैवलिंग विद एनी बेबी गेयर, तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बेबी के साथ ट्रैवल करने का ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी। इस टाइम पे जाजिब थोड़ा फंसी होने लगा था और मैं पैनिक करने लगी। जैसे ही हमने सिक्योरिटी चेक क्रॉस किया, इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और मेरी नर्वसनेस में इजाफा हो गया। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस लग रही हूँ यहाँ पे, और मेरे हाथ पैर बहुत ज़्यादा फूल रहे थे और मुझे थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट भी हो रही थी, क्योंकि इतनी ज़ोर ज़ोर से एयरपोर्ट पे रो रहा था और मैं पूरे वक्त बस यही सोच रही थी कि ये तो अभी से इतना फंसी हो रहा है और अभी तो हम प्लेन में चढ़े ही नहीं हैं, तो ये प्लेन में क्या करेगा मेरे साथ। बट आई एम ग्लैड कि मैंने इसकी बॉटल्स में थोड़ा थोड़ा सा पानी ऑलरेडी रखा हुआ था और बस जल्दी से इसका फॉर्मूला प्रिपेयर करके इसको फीड किया, तो ये थोड़ा फिर काम हुआ। डर लग रहा है क्योंकि ये अभी से फंसी है। Are you looking forward to the flight? I hope it goes अगर आप बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि आप प्लेन सबसे आखिर में बोर्ड करें, क्योंकि लेट्स से अगर आपका बेबी थोड़ा फंसी होने लगता है तो आप उसको बाहर टहला सकते हैं, बहला सकते हैं, और आपको टेक ऑफ से पहले प्लेन में ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। अपनी सीट सेलेक्ट करते हुए कोशिश करें कि आपको शुरू के रोज़ में सीट्स मिलें, ताकि आप लेट बोर्ड कर सकें और लैंडिंग के बाद जहाज़ से जल्दी बाहर आ सकें। अगर आप वाइड बॉडी जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं तो एयरलाइन से ख़ास तौर पर बेबी बैसिनेट वाली सीट्स की रिक्वेस्ट करें। नैरो बॉडी और वाइड बॉडी जहाज़ों की पहचान कैसे होती है, ये ओवैस अपने चैनल पर बता चुके हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू वेयर कम्फर्टेबल क्लोथ्स एंड शूज़ ऑन अ फ्लाइट। मैं अनफॉर्चुनेटली अपने सबसे कम्फर्टेबल शूज़ नहीं पहन पाई थी ऑन दिस फ्लाइट बिकॉज ऑफ माई टो नेल एक्सट्रैक्शन, बट ये बाथरूम स्लिपर्स भी काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल थी, जो कि मैंने अपनी दादी से बोरो की हैं। अगर आपका बेबी जाग रहा हो तो ड्यूरिंग टेक ऑफ और लैंडिंग या तो आप उसे फीड करें या उसे पैसिफायर दें, ताकि उसके कानों में दर्द ना हो। आर बेबी केप्ट स्लीपिंग, तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड लेटर वी फाउंड आउट कि हमारे बेबी को तो पैसिफायर पसंद ही नहीं है। अगर आप अपने बेबी को फॉर्मूला मिल्क देते हैं तो आपको पानी के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आपको फ़्लाइट में मिनरल वाटर बॉटल्स मिल जाएंगी,
और अगर आप अपने बेबी के मिल्क बॉटल को गर्म करना चाहते हैं तो आप फ्लाइट अटेंडेंट से कहकर बॉटल्स को गर्म करवा सकते हैं, दे'ड बी हैप्पी टू हेल्प। इससे याद आया कि एयर सियाल का कैबिन क्रू काफ़ी प्रोफेशनल और स्वीट था। दे ऑफर्ड मी एन एक्स्ट्रा पिलो एंड ऑफर्ड हेल्प मल्टीपल टाइम्स। एज अ न्यू मॉम आई रियली अप्रिशिएटेड देयर स्वीट जेस्चर। अगर आप फ्लाइट पे किसी माँ को स्ट्रगल करते हुए देखें तो प्लीज़ उनसे अनॉय होने के बजाय ऑफर हेल्प, बिकॉज नाउ दैट आई एम मॉम आई नो दैट इट्स नॉट ईजी। ये पर्टिकुलर मोमेंट मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था और मेरे दिमाग में पिछले 10 महीने का रिकैप चल रहा था। एंड इट सडनली हिट मी दैट माई लाइफ इज़ कम्प्लीटली चेंज्ड। मैं वापस जाऊँगी तो आई हैव टू लुक आफ्टर माई सेल्फ एंड अ न्यू बॉर्न, एंड दैट माई मदर वॉन्ट बी अराउंड टू लुक आफ्टर मी, एंड इट जस्ट ब्रोक माई हार्ट। इन फैक्ट इट ब्रेक्स माई हार्ट एवरी टाइम आई लीव कराची, एंड आई एम श्योर दैट अ लॉट ऑफ गर्ल्स कैन रिलेट टू दिस फीलिंग where you want to be home but you also miss home. It's a weird feeling and it's a bit sad. Khair, enough of the melodrama, let's get back to the video. One tip that I would like to give you here is that ki aap apne baby ka diaper ya to plane board karne se pehle change kar le ya phir plane land karne ke baad kar le, ya आप इस लेवेटरी में भी अपने बेबी का डायपर चेंज कर सकते हैं ऑन दिस चेंजिंग टेबल। बट बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस चेंजिंग टेबल ड्यूरिंग अ फ्लाइट, बिकॉज यू नो टर्बुलेंस हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, तो बी एक्स्ट्रा केयरफुल। हमें ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज आई चेंज हिज डायपर आफ्टर लैंडिंग। नाउ आई विल शो यू व्हाट आई केप्ट इन हिज डायपर बैग। आई ऑर्डर्ड दिस बैग फ्रॉम द राज और ये हर बेबी शॉप पे इजीली अवेलेबल है। ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है और मुझे सबसे अच्छी बात इसकी ये लगती है दैट यू कैन कैरी इट अराउंड लाइक अ बैकपैक। इसकी फ्रंट पॉकेट में बॉटल्स रखने के लिए 3 इंसुलेटेड कंपार्टमेंट्स हैं जिसकी वजह से मिल्क वार्म रहता है। बॉटल्स के साथ ही मैंने एक छोटा फेस टॉवल रखा है इन केस ऑफ एनी ब्लो अप्स और स्पिल्स। ये बात याद रखें कि आप अपनी कैरी ऑन लगेज में एक कंटेनर में 100 मिलीलीटर से ज़्यादा लिक्विड्स नहीं ले जा सकते, इसलिए इस बात का ख्याल रहे कि जब आप घर से बॉटल्स में पानी लाएं तो वो 100 मिलीलीटर से ज़्यादा ना हो। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद अ न्यूबॉर्न यू मस्ट कीप हिज स्लीपिंग बैग एंड यू कैन ऑल्सो आस्क फॉर एक्स्ट्रा पिलोज फॉर योर कम्फर्ट। इस बैग की साइड में एक खास पॉकेट है जो बेबी वाइप्स के लिए ही डिज़ाइन किया गया है ताकि वाइप्स इजीली एक्सेसिबल हों। हमने इसमें ट्रैवल साइज बेबी वाइप्स रखे थे लेकिन आप इसमें रेगुलर साइज के वाइप्स भी रख सकते हैं। बिकॉज आई गेव हिम फॉर्मूला ड्यूरिंग द फ्लाइट, इसलिए मैंने इसकी बॉटल्स में थोड़ा थोड़ा पानी रखा हुआ था और इस कंटेनर में इसका फॉर्मूला मिल्क था जो कि मेजर्ड था और बस मुझे इसमें से डायरेक्टली ट्रांसफ़र करना था। आई हैव ऑल्सो केप्ट वन बिब एंड अ फ्यू एक्स्ट्रा क्लोथ्स अगेन इन केस ऑफ एनी स्पिल्स और एक्सीडेंट्स। अगर आप अपने बेबी को फार्मूला मिल्क देते हैं तो इस कंटेनर के अलावा भी आपके पास अपने बेबी के फार्मूला का बैकअप होना चाहिए, बिकॉज ड्यूरिंग ट्रैवल कुछ भी हो सकता है, फ्लाइट डिले हो सकती है, आप कहीं फंस सकते हैं, तो ऐसा ना हो कि आपके पास इस कंटेनर में अगर फार्मूला ख़त्म हो जाए तो आपके पास बेबी के लिए फीड करने के लिए फार्मूला ही ना हो। आई ऑल्सो केप्ट हिज सलाइन ड्रॉप्स बिकॉज ऊपर हवा में काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, पर इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आई वॉज जस्ट बींग एक्स्ट्रा केयरफुल। इसके अलावा आई ऑल्सो केप्ट हिज रैश क्रीम और अगेन इसको भी मैंने यूज़ नहीं किया ड्यूरिंग द फ्लाइट, बट येस ऑफ कोर्स आई ऑलवेज कीप इट इन हिज डायपर बैग। एंड येस ऑफ कोर्स डायपर बैग में बहुत सारे डायपर्स, और डायपर्स भी हमने खास जाकर लिए थे पैम्पर्स, बट बॉय ओ बॉय वर वी रॉन्ग। But more on that on a separate video, so stay tuned. I've also kept a changing sheet in his diaper bag. अगर आपको भी मेरी तरह changing table पे अपने baby का diaper change करते हुए घिन आती है तो you can always use a changing sheet. And to be extra sanitary, आप disposable changing sheets भी use कर सकते हैं।
And it's always good to pack a sanitizer in your diaper bag, especially during COVID times. And since you're dealing with baby stuff, तो आपके हाथ साफ हों तो ज़्यादा अच्छा है. हम पिछली दो रातों के जागे हुए थे and we were really exhausted. तो मुझे शक था कि मेरे सर में शायद दर्द होगा during the flight, इसलिए मैंने अपने लिए Panadol भी रख ली थी. Of course, it's not an essential item. I am just showing you what I kept in my diaper bag. I also kept his pacifier, and like I said, हमें बाद में पता चला कि हमारे बेबी को pacifier पसंद ही नहीं है, तो हमें इसको यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, and also because he was sleeping throughout the flight. It's always good to have some garbage bags in your diaper bag, because baby का diaper कभी भी कहीं भी change करना पड़ सकता है, तो आपके पास diapers dispose करने के लिए garbage bags होना लाजमी है. I've also kept these adult wipes in his diaper bag, because planes काफ़ी गंदे होते हैं, तो hand rest वगैरह साफ़ करने के लिए आप इन wipes को use कर सकते हैं. Overall हमारा experience काफ़ी अच्छा रहा. जाजिब पूरे वक्त सोता रहा, सिर्फ फीड करने के लिए उठा था, और जब वो उठा तो उसका मूड काफ़ी अच्छा था. तो जो मेरा खौफ था ऑफ ट्रैवलिंग विद अ न्यू बॉर्न, वो थोड़ा कम हो गया है. And I can safely say that I can travel again with this baby. उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा. अगर आपके पास भी कोई और टिप्स हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे और सबके साथ शेयर करें. Please follow me on Instagram and Facebook and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to share this video with a new parent who is scared to travel with their newborn.